गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लेसन नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस करेंगे। हमने इसमें फिजिकल चेंज पढ़ लिया है कि क्या होता है। अब हम आगे करेंगे सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस के कुछ और एग्जांपल, जैसे फर्स्ट है स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, रबर बैंड को खींचना, स्ट्रेच करना। ग्राइंडिंग ऑफ अ सब्सटेंस, किस चीज़ को पीसना, ये क्या है फिजिकल चेंज। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। एक्सपेंशन का मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना किसी भी चीज़ का, हीटिंग पे या कूलिंग पे। ये भी किस में आता है हमारा, फिजिकल चेंजेस में। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का पिघलना, मोम का पिघलना, वैक्स मतलब मोम होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बादलों का बनना, ये क्या है फिजिकल चेंज। मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पीस ऑफ आयरन, यानी कि जो आयरन का पीस है उसमें मैग्नेटाइजेशन होना है, यानी मैग्नेट के कुछ इफेक्ट्स आ जाना, कुछ प्रॉपर्टीज आ जाना कुछ टाइम के लिए। हैमरिंग ऑफ मेटल्स टू फॉर्म थिन शीट्स, यानी कि मेटल पे हैमर करना, बार बार मारना और उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करना। लाइक हैमरिंग एल्यूमिनियम मेटल टू फॉर्म एल्यूमिनियम फॉइल, जैसे एल्यूमिनियम मेटल को के ऊपर हैमरिंग करना और क्या करना, एल्यूमिनियम फॉइल बन। 8 स्ट्रेचिंग ऑफ मेटल्स टू फॉर्म वायर्स, यानी कि मेटल्स को इतना खींचना कि वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाए। लाइक हैमरिंग कॉपर मेटल टू ऑब्टेन कॉपर वायर्स, कॉपर वायर्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉपर मेटल को हैमर करना पड़ता है, पीटना पड़ता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज साइज, शेप, कलर एंड स्टेट चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब फिजिकल चेंज होता है तो किस किस में चेंज आता है, साइज में, शेप में, कलर में और स्टेट में चेंज आता है, कोई भी नई चीज़ नहीं बनती है। सेकेंड, अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। जो पहले था जिस चीज़ से हमने बनाया, मैं जैसे मान लो पानी है, उसको हमने बर्फ़ में चेंज किया फ्रीज़र में उसको जमा के, फिर जब बर्फ़ को बाहर निकालेंगे तो पानी बन जाएगा, तो ये क्या है रिवर्सिबल, जैसा पहले था वैसा हमें मिल गया। फिर थर्ड है नो ओवरऑल एनर्जी चेंज टेक प्लेस, इसमें कोई एनर्जी टेक प्लेस नहीं करती, यानी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। फोर्थ, केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस रिमेंस द सेम ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज। जो केमिकल कंपोजिशन है उस सब्सटेंस का वो वैसा का वैसा ही रहेगा फिजिकल चेंज जब उसमें हो रहा होगा या हो चुका होगा तब भी, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिजिकल चेंजेस के, ठीक है। नेक्स्ट देखो केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विथ एंटायरली डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस इज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज किसे बोलेंगे, जब ये चेंज होता है, जब किसी चीज़ में बदलाव होता है केमिकल चेंज की वजह से, तो क्या होता है कोई नई चीज़ बन जाती है केमिकल कंपोजिशन की वजह से, और वो जो उसका ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो खो चुका होता है। मतलब कि जैसे मान लो दूध से दही बनना, तो ये क्या है केमिकल चेंज है। क्या हम दही को दूध में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो क्या हुआ है इसमें एक नई चीज़ बन गई है ना, तो ये क्या है केमिकल चेंज। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, चलो कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे केमिकल चेंज को समझने के लिए। तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी नंबर 3 है, कुछ केमिकल चेंज यहाँ पे दिखाया गया है, और एक्टिविटी 4, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है जिससे कि आपको केमिकल चेंज और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इन द अबव मेंशन एक्टिविटीज़ न्यू सब्सटेंसेज विद एंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेज। ये जो ऊपर एक्टिविटीज़ हैं इसमें नई चीज़ें बनी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनका चेंज हुआ है ओरिजिनल सब्सटेंसेज से, जो भी वो सब्सटेंस है उससे एक नई चीज़ बनी है केमिकल चेंज की वजह से। सो ऑल ऑफ दीज आर केमिकल चेंजेस, तो जितने भी इसमें एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाए गए हैं क्या है केमिकल चेंज है। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, ये जो केमिकल चेंजेस हैं इन्हें हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है।
फिर आगे देखो, द प्रोसेस बाई विच वन और मोर सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म इंटू न्यू सब्सटेंसेस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब कि क्या हो जब एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर क्या करें, एक नई चीज़ को बनाएं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें क्या हो दो चीज़ें मिलकर रिएक्ट कर जाती हैं और एक नई चीज़ बन जाती है, तो वो जो रिएक्ट करती है उनको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं।